हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक चैनल इंग्लिश थ्रिसालोक सर सिक्सटी क्लास में। आइए द हिंदू का एडिटोरियल करेंगे। पहले एडिटोरियल करने से पहले द हिंदू का वोकैब करेंगे, फिर द हिंदू का एडिटोरियल करना है। सबसे पहला वर्ड है मेरा नो फेट कम्प्लाई। नो फेट कम्प्लाई इसका मतलब होता है जो कि कुछ ऐसा चीज़ जो कि चेंज नहीं किया जा सकता, जो पहले हो चुका है और जिसे चेंज नहीं किया जा सकता। कोलैप्स मतलब ढह जाना, गिर जाना। क्रम्बल डाई बकल, इम्प्लोड। एंटो हो जाए राइट स्वेल इन फैट सक्सीड डिलीवरी। इम्पोज मतलब क्या होगा? इम्पोज मतलब थोपना। इम्पोज मीन्स थोपना, चार्ज लगाना, फाइन लेवाइज पुट एग्जैक्टेड लेड। और एंटो हो जाएगा रिमिटेड डिमिनिश लेसन अबेटेड। हेराल्डेड मतलब होता है घोषणा करना। अनाउंस प्रोक्लेम डिक्लेयर पब्लिश्ड ब्रॉडकास्ट एयर। एंटो हो जाएगा प्राइवेट क्लासिफाइड रिट्रैक्टेड। ब्यूरिफिकेट मतलब विभाजित करना। डिवाइडेड सब डिवाइडेड स्प्लिट सेपरेटेड सेगमेंटेड बाइसेक्टेड डिसेक्टेड पार्टीशन। एंटो हो जाएगा कंबाइंड एसोसिएटेड। हीप्ड ऑफ मतलब भी होता है काट के अलग कर देना। डिवाइड फॉर्म ऑफ स्कीम स्प्लिट रिमूव स्कूप स्कीम क्रीम रिम। डिटर मतलब होता है थोड़ा सा उसे डराना, डिस्करेज करना, डिस्यूटेड करना, इनहैबिटेड करना, डिस डाइवर्टेड अनसोल्ड डिसहार्टेंड। एंटो हो जाएगा परस्यूड मनाना इनकरेज अर्ड इंड्यूस एग्जॉर्टेड। अगला वर्ड है इम्पावर शक्ति देना, शक्ति प्रदान करना। इनेबलिंग ऑथराइजिंग क्वालिफाइंग इन्वेस्टिंग प्रिवेंटिंग अनमास्किंग अनकवरिंग। एब्रोगेशन मतलब क्या होता है? अलग ये समाप्त कर देना, एबोलिश कर देना, एन्यूलमेंट कर देना, डिसोल्यूशन करना, इनवैलिड करना, न्यूलीफाई ये भी है, रिपील करना, कैंसिल। एंटो स्टेबलाइज इनैक्ट फाउंड लेजिस्लेट परसीव। आर्बिट्री मतलब मनमाना आरोगेंट अनफेयर इनकन्सिस्टेंट अनरीजनेबल अथॉरिटेरियन डोमिनेंट। डिटेंशन इम्प्रिजमेंट इनकारनेशन कैप्टिविटी कन्फाइनमेंट और इंटरमेंट। एंटो डिस्चार्ज एड असिस्टेंट। एलिनेटेड मतलब अलग हो जाना। इनफ्यूरिएट एंगर स्ट्रेंथ इनरेज मतलब गुस्सा भी होना। रिकनसाइल समझौता प्लीज प्लीकेट सब मनाना शांत करना। परसिस्टेंट जो लगातार बना रहे। परिवेजेंट टेनासिटी इंड्यूरेंस सॉल्यूशन स्टेमिना ग्रिफ्ट डेल। फिर से हमारा अप्रोच वही रहेगा, पहले वीडियो को रोकेंगे, फिर इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच निकालो, फिर उसके बाद इस पर इसका मीनिंग देखो क्या होगा। हाँ, तो एक सेंटेंस है, सेंटेंस में 100% एक सब्जेक्ट होगा और उसका वर्ब होगा, तो वही देखना है सेंटेंस में सब्जेक्ट कहाँ पे है, उसका वर्ब कहाँ पे है, प्रीपोजिशन के बाद क्या आ रहा है, कंजंक्शन किसको जोड़ रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन अगर आया तो वो किसके लिए आया है, और रिलेटिव प्रोनाउन में कौन सा केस है, सब्जेक्टिव केस है या ऑब्जेक्टिव केस है। सब्जेक्टिव होगा तो 100% वर्ब लेगा, ऑब्जेक्टिव होगा तो वो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आएगा। चलो नो फ्लेट कम्प्ली कम ए कम्प्ली मतलब कुछ भी ऐसा जो कि पहले बन चुका है जो चेंज ना हो। अब प्रीपोजिशन के बाद फिर बताए क्या, या तो भी फोर होगा नाउन फोर नाउन, यहाँ पे क्या है नाउन, क्यों, क्योंकि आर्टिकल आ जाए 100% नाउन। ऑन द चेंज अब ऑन द चेंज जो बदलाव ये मीनिंग हो बदलाव। प्रपोज्ड अब प्रपोज्ड क्या होगा, क्या ये V2 है, क्या ये V3 है, क्या ये एडजेक्टिव है, अब क्या होगा। तो देखो यहाँ इसके बाद कहीं सब्जेक्ट कुछ लग रहा है, सब्जेक्ट है क्या, बोलेंगे सर नहीं,
जब सब्जेक्ट है ही नहीं तो वर्ब कहाँ से आ जाएगा, ये वर्ब नहीं, एक ये कारण हुआ। भी थ्री नहीं है, ना हैव वर्ब है ना बी वर्ब है, ये भी कारण बोल सकते हो, तो भी थ्री भी नहीं है। अगर सब्जेक्ट है तो 100% वर्ब होना चाहिए था, है नहीं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव? पास्ट पार्टिसिपल, जिसको क्या बोलेंगे, पास्ट। अब मीनिंग कैसे देगा, जो कि प्रस्तुत किया गया था इन लोकसभा, इन के बाद फिर देखो क्या आया है, बोलेंगे सर नाउन आया है, वी फोर प्रोनाउन नहीं है, इन फिर इनके बाद देखो क्या है, जम्मू एंड कश्मीर। ये सारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, फिर ये इम्प्रूवमेंट आएगी। हाँ चलो, इलेक्शंस इन जम्मू कश्मीर एंड रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड। अब देखो एंड किसको जोड़ रहा है, तो बोलेंगे सर ये इलेक्शन को और रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड को। ये फिर पोजिशनल ऑब्जेक्ट है, नाउन है, कभी भर ये इससे वर्ब से इसको कोई लेना देना नहीं, इसको भी वर्ब से कोई लेना देना नहीं है। देखो ऑफ के बाद वी फोर है, नहीं प्रोनाउन नहीं, तो 100% नाउन, यहाँ भी क्या हो जाएगा नाउन। अब इलेक्शन एंड रिस्टोरेशन ऑफ स्टेट शुड, शुड के बाद हमेशा मॉडल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब ये बी वर्ब हो गया, अब देखो बी वर्ब, अब बी वर्ब के बाद यहाँ पे क्या आया, तो बोलेंगे सर बी वर्ब के बाद अगर कोई वर्ब हो तो थ्री में होगा या फोर में होगा। थ्री पैसिव वॉइस बन जाएगा, जो सब्जेक्ट होगा वो डूअर नहीं रहेगा, क्या रहेगा, रिसीवर, मतलब वो काम नहीं करेगा, उस पर काम होगा, एक्शन नहीं लेगा, एक्शन वो रिसीव करेगा। शुड नॉट बी या बी के बाद वी थ्री, अगर वी फोर हो तो आई एन जी फॉर्म में होगा, क्या आई एन जी फॉर्म में है, नहीं। तो शुड नॉट बी डिले, डिले नहीं किया जाना चाहिए। फर्दर, फर्दर का क्या मतलब है, फर्दर का यही मतलब है पहले से डिले हो चुका है, अब और ज़्यादा डिले करोगे तो क्या लगाओगे, फर्दर। याद रखना एक वर्ड था फर्दर और एक वर्ड है फर्दर। फार्दर किसके लिए आएगा, दूरी के लिए। फार्दर किसके लिए, दूरी, फार लिखा हुआ है। फर्दर फिर से देरी ना हो जाए, पहले से देरी हो चुका है फिर से देरी ना हो जाए, क्लियर। तो ये कंसेप्ट होगा। बी वर्ब के बाद और क्या आते हैं, बोलेंगे सर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्या आएंगे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये क्या होता है, बी वर्ब के बाद अगर नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव आ जाए तो समझना क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ये क्लियर हो गया होगा, चलो। हाँ क्लियर। अब देखो कहाँ पे सब्जेक्ट है, कहाँ पे उसका वर्ब है, कहाँ पे कंजंक्शन है, कंजंक्शन वर्ड को जोड़ रहा है या क्लॉज को जोड़ रहा है। उसके बाद नाउन का पोसेशन नाउन पे है तो मेन वर्ड कौन सा होगा, उसका नाउन कौन होगा। फिर प्रीपोजिशन के बाद क्या आया है, और हाँ यही सारा कुछ देखना है, क्लियर करो। चलो वीडियो को रोक के करना। ईट, अब देखो ईट सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब क्या लेगा, सिंगुलर। हैज के बाद भी थ्री या नाउन, यहाँ पे क्या है, भी थ्री। इट हैज बीन, अब इट हैज बीन मतलब यह हो चुका है, इट हैज बीन मतलब क्या है, यह हो चुका है, कुछ समय बीत चुका है, इट इज तो यह है, क्लियर। मोर देन फाइव एंड हाफ ईयर मतलब 5.5 साल से ज़्यादा, अब यही होगा 5.5 years, 5 साल से ज़्यादा हो चुका है। सिंस, जब से, अब देखो यहाँ पे सिंस है, और सिंस के बाद अगर सब्जेक्ट प्लस वर्ब आए तो क्या लेगा, भी टू, क्या लेगा, भी टू, याद रखना। सिंस, अब एक सब्जेक्ट लेगा तो सब्जेक्ट ढूंढिए, अब आर्टिकल आए तो 100% नाउन, कहाँ पे नाउन है, बोलेंगे सर यहाँ पे नाउन है, तो ये क्या होगा, ये बोलेंगे सर एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव, पास्ट पार्टिसिपल। जब से इलेक्ट किया हुआ गवर्नमेंट कोलैप्स, अब ये भी टू होगा, क्लियर, कोलैप्स हो गया था, ओके यहाँ तक समझ लो। जब से कोलैप्स हो गया था मतलब 5.5 साल से भी ज़्यादा हो चुका है, जब से ये इलेक्टेड चुना हुआ गवर्नमेंट कोलैप्स हो गया था। एंड, अब यहाँ पे देखना है एंड वर्ड को जोड़ेगा या सब्जेक्ट प्लस वर्ब लेगा, तो देखा जाए तो यहाँ भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब है, इसका मतलब सब्जेक्ट प्लस क्लॉज को जोड़ेगा। गवर्नर रूल, अब नाउन का पोसेशन किस पे होगा, बोलेंगे सर नाउन पे, इसका मतलब मेन वर्ड कौन, ये वाला, तो ये गवर्नर का रूल वाज इम्पोज, ये क्या हो गया, भी थ्री।
अब देखो बी वर्ब प्लस बी थ्री पैसिव, अब इम्पोज गवर्नर का रूल इम्पोज करेगा नहीं, किया जाएगा, गवर्नर का रूल इम्पोज किया करेगा नहीं किया, तो वाज इम्पोज, इम्पोज किया गया था इन जम्मू एंड कश्मीर, इनके बाद देख लो नाउन आया एमिस्ट, एमिस्ट क्या होगा, तो बोलेंगे सर ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद देखो क्या है, बोलेंगे सर नाउन है 100% आर्टिकल है, एमिस्ट सस्पेंशन के दौरान ऑफ द इलेक्टेड असेंबली, इलेक्ट चुने हुए असेंबली के सस्पेंशन के दौरान, अब ऑफ के बाद भी देख लो क्या आया, तो बोलेंगे सर नाउन है, ये एडजेक्टिव हो जाएगा, नाउन से पहले पोजीशन किसका, एडजेक्टिव, और ठीक केवल एडजेक्टिव रहे और एडजेक्टिव से पहले पोजीशन एडवर्ब का, ए स्टेप डैट, अब डैट क्या हो जाएगा, बोलेंगे सर रिलेटिव प्रोनाउन होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या ले रखा है, यहाँ पे वर्ब ले रखा है, अगर प्रीपोजिशन होता कंजंक्शन होता तो क्या वर्ब लेता, नहीं लेता, अब ये आया किसके लिए, स्टेप के लिए, अब स्टेप डैट हेराल्डेड, अब जो अनाउंस किया था, अब ये क्या जो अनाउंस किया था, तो क्या ये ट्रांजिटिव वर्ब होगा, और ट्रांजिटिव वर्ब क्या लेती है, ऑब्जेक्ट होता कौन, नाउन या प्रोनाउन, अब देखो नाउन कौन, ये और ये, तो लास्ट वाला नाउन ये हो जाएगा एडजेक्ट, ड्रामेस्टिक चेंज, बहुत बड़ा बदलाव की घोषणा किया था इन, अब इनके बाद देख लो नाउन यहाँ पे ये एडजेक्टिव, क्योंकि आर्टिकल लगा है, वी फोर और प्रोनाउन नहीं है, क्लियर, चलो सिंस कंजंक्शन हो गया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब लिया, जब से ऐसा काम हुआ है तब से वो क्या है, 5.5 साल हो चुके हैं, अगला आप देखो, सबसिक्वेंटली क्या है, सबसिक्वेंटली इसके तुरंत बाद, क्या इसके तुरंत बाद, आर्टिकल 340 डैट, अब फिर डैट रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि यहाँ पे वर्ब लिए हुए हैं, डैट प्रोवाइडेड, अब प्रोवाइडेड फॉर स्पेशल स्टेटस, प्रोवाइडेड फॉर, प्रोवाइड किया था क्या, स्पेशल स्टेटस, ये ट्रांजिटिव नेचर का है, ऑब्जेक्ट लेगा, ऑब्जेक्ट को नाउन प्रोनाउन, ये नाउन ये एडजेक्टिव, प्रोवाइडेड फॉर स्पेशल स्टेटस फॉर द ईस्ट वाइल सिटी, किसके लिए, ईस्ट वाइल सिटी के लिए, अब एक चीज गौर से देखना, ये पोजीशन किसका है, बोलेंगे सर सब्जेक्ट का है, ऑब्जेक्ट का नहीं, ऑब्जेक्ट होता तो ट्रांजिटिव वर्ब होता, ऑब्जेक्ट होता तो प्रीपोजिशन होता, वो तो है नहीं, किसका हो गया, सब्जेक्ट का, अगर सब्जेक्ट है तो 100% क्या आएगा, वर्ब आएगा, अब देखो वर्ब कहाँ पे है, इसका वर्ब यहाँ पे आ गया, वाज रिमूव्ड, वाज के बाद क्या आया, V3, अब जो सब्जेक्ट होगा वो ड्यूअर या रिसीवर, बोलेंगे सर रिसीवर होगा, क्योंकि पैसिव वॉइस है, रिमूव किया गया था, रिमूव कर दिया गया था, रिमूव किया नहीं, रिमूव कर दिया गया था, वाज रिमूव्ड, इतना क्लियर हो गया, द आर्टिकल 370 डैट प्रोवाइडेड फॉर स्पेशल स्टेटस फॉर द ईस्टर्न स्टेट, अब क्लियर, देखो द स्टेट ब्यूरिफिकेटेड, स्टेट क्या हो गया था, डिवाइड हो गया था, विथ द रिजीम, उस रीजन, विथ द रीजन, विथ के बाद नाउन, रीजन के साथ, अब इनका ये क्या हो जाए, इन कम पासिंग क्या हो जाएगा, बोलेंगे सर ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव, जो कि जोड़ रहा है किसको, अब ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया जम्मू को, एंड द कश्मीर वैली मेड इनटू ए सिंगल न्यू यूनियन टेरेटरी, और कश्मीर वैली क्या बना था, एक नया यूनियन टेरेटरी बना था, एंड लद्दाख वीव्ड ऑफ, अब लद्दाख को काट के क्या कर दिया गया, इनटू अनदर, और दूसरा बना था यूनियन टेरेटरी लद्दाख, पहला हो गया था कश्मीर वैली, क्लियर, चलो सब है, प्रीपोजिशन के बाद देख लो, एंड कंजंक्शन के बाद क्या आ रहा है वो सब क्लियर कर लो, अब द आर्टिकल तो 100% नाउन, कहाँ पे पहले ये कर लो, चलो कहाँ पे नाउन है तो देखेंगे, यहाँ पे ये नाउन, ऑफ दीज, दीज के बाद नाउन हमेशा क्या रहेगा, प्लुरल, क्लियर, और दीज का क्या रहेगा, डिस्क्रिप्शन रहेगा, जो ये चेंजेज लाया गया, स्टेट को ब्यूरिफाइड किया गया, ये इज, अब ये सब्जेक्ट आपका देख लो सिंगुलर, तो वर्ब क्या लिया, सिंगुलर,
ये बन बैठा प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, वर्ब से कोई लेना देना नहीं है। इज स्टिल अंडर क्वेश्चन, अब अभी भी क्या है अंडर क्वेश्चन। स्टिल लगाने का क्या मतलब, पहले भी ये मतलब उस पर संदेह था, अब भी उस पर क्या है संदेह है, इसीलिए क्या लगाया स्टिल लगाया। फिर ये काम क्या है कंटिन्यूटी में है, चलता जा रहा है। एट अभी भी होने वाला है, हुआ नहीं है, याद रखना स्टिल और एट में डिफरेंस याद रखना। कल टेलीग्राम पे भी इस तरह का क्वेश्चन एक डाले थे, देख लीजिएगा। एंड द सुप्रीम कोर्ट हैज, अब देखो सुप्रीम को एंड किसको जोड़ रही, तो एक क्लॉज ले रही, एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब कंजंक्शन है, एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब। द सुप्रीम कोर्ट हैज के बाद भीतरी या नाउन क्या आया है, बोलेंगे सर भीतरी है। हैज रिजर्व्ड बनाए रखा है, व्हाट ट्रांजिटिव नेचर का है, क्या लेगा ऑब्जेक्ट होता कौन, नाउन प्रोनाउन, प्रोनाउन कौन होता है भी प्रोनाउन, मी अस देम ऑब्जेक्टिव केस, मी अस देम हिम हर यू इट इट। अब देखो ये यहाँ पे प्रोनाउन तो है नहीं, क्या हो जाएगा नाउन, ये नाउन तो ये क्या हो बैठेगा एडजेक्टिव, कौन सा एडजेक्टिव, तो बोलेंगे पोसेसिव एडजेक्टिव। याद रखना पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद 100% क्या आएगा नाउन आएगा। ऑन इट रिजर्व, इस पे क्या है रिजर्व बनाए रखे हैं, रोक के अभी रखे हैं, क्लियर। अब चलो दूसरा, फिर आ गया यहाँ पे बट, अब फिर बट यहाँ पे तो बात कर गया, क्या बात किया रिजर्व बनाए रखे हैं सुप्रीम कोर्ट, बट कंट्राडिक्शन, बट हो हाउएवर हो दो हो ऑल दो हो वाइल हो स्टील एट सब कंट्राडिक्टरी बात करेंगे, उधर पॉजिटिव है तो इधर निगेटिव सेंस देगा, उधर निगेटिव सेंस इधर पॉजिटिव। अब देखो बट कंजंक्शन है तो सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब लेगा, तो दिस, अब दिस प्रोनाउन या एडजेक्टिव, बोलेंगे सर प्रोनाउन, कैसे क्योंकि अगर एडजेक्टिव रहता तो यहाँ पे नाउन रहता, क्लियर। दिस सिंगुलर है वर्ब क्या लेगा हैज, नॉट हैज के बाद क्या हो गया भीथरी या नाउन, यहाँ पे भीथरी। हैज नॉट डिटर्ड, डिटर मतलब डराना, तो नहीं डराया है तो ट्रांजिटिव नेचर का है, क्या लेगा ऑब्जेक्ट होता कौन नाउन प्रोनाउन, यहाँ पे क्या है नाउन है क्योंकि आर्टिकल लगा हुआ, ये नाउन ये एडजेक्टिव। डिटर द यूनियन गवर्नमेंट मतलब इसने अभी तक जो बॉडी को रिजर्व रखा है उसने अभी तक क्या यूनियन गवर्नमेंट को नहीं डराया है। फ्रॉम के बाद देखो क्या आया वी फोर नाउन प्रोनाउन में वी फोर, फ्रॉम ब्रिंगिंग तो लाने से, फ्रॉम गोइंग जाने से, फ्रॉम रीडिंग पढ़ने से, तो क्या लाने से ब्रिंगिंग लाने से, अबाउट लेजिस्लेशन क्या लेजिस्लेशन कानून अधिनियम के बारे में लाने से। डैट, अब डैट बताना क्या होगा, बोलेंगे सर रिलेटिव प्रोनाउन, कैसे क्योंकि यहाँ पे वर्ब लिए हुए। अब लेजिस्लेशन वो अधिनियम डैट विल चेंज, जो कि चेंज करेगा, अब चेंज ट्रांजिटिव नेचर का है, क्या लेगा ऑब्जेक्ट, किसको चेंज है, मेकअप ऑफ यूटीज परफेक्टली लेजिस्लेटिव असेंबली, पहले यहाँ तक क्लियर करो, जो चेंज करेगा मेकअप ऑफ यूटी। अब देखो इसमें मेन वर्ड यूटी एपोस्ट्रॉफी एस, जो मेन वर्ड कौन सा, तो एक वर्ड दो वर्ड और तीन वर्ड, यही नाउन मेन वर्ड हो जाएगा असेंबली, क्लियर। नाउन का पोसेसर नाउन पे तो ये नाउन हो जाएगा, क्लियर। तो यूटी के प्रोस्पेक्टिस लेजिस्लेटिव असेंबली के, हाँ ये चेंज विल चेंज, चेंज करेगा मतलब ये बदलेगा, मेकअप ऑफ मतलब ये क्या असेंबली के मेकअप को क्या करेगा चेंज करेगा, इतना ही करो। यहाँ से ये बहुत आसान, ऑन बेसनर जी पे बुधवार को द लोकसभा पास्ट किया था, तो क्या पास किया था ट्रांजिटिव नेचर का है, ऑब्जेक्ट लेगा होता कौन नाउन प्रोनाउन, चूंकि द लगा हुआ है तो नाउन, जम्मू एंड कश्मीर रिकॉग्नाइजेशन अमेंडमेंट बिल, ये नाउन, बाकी बचे क्या हो जाएगा एडजेक्टिव। 2023 एंड जम्मू कश्मीर रिजर्व, अब ये दो बिल क्या हुआ है पास हुआ है। अब चलो आगे देखो दीज बिल, अब दीज के साथ नाउन क्या रहे 100% पूरा क्लियर। अब दीज का डिस्क्रिप्शन होगा ये दोनों बिल, क्लियर। दीज बिल अब सब्जेक्ट हो गया, पूरल वर्ब लेगा पूरल, डू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म,
तो डू नॉट, अब यहाँ पे है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो ये मेन वर्ब हुआ, मेन वर्ब से पहले क्या आ जाएगा एडवर्ब, तो डू नॉट नेसेसरीली ब्रिंग अबाउट, ब्रिंग अबाउट मतलब लाना क्या, एनी सिग्निफिकेंट चेंज मतलब कोई भी सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण चेंज नहीं लाएगा। अब देखो ब्रिंग अबाउट एक फ्रेजल वर्ब है, ट्रांजिटिव नेचर का है, तो ऑब्जेक्ट लेगा, ऑब्जेक्ट को नाउन, ये हो जाएगा एडजेक्टिव, क्योंकि एनटी भी लगा हुआ है नाउन से पहले, एनी भी क्या हो जाएगा एडजेक्टिव, एनी सिग्निफिकेंट चेंज तो नहीं लाएगा। चलो बिल का पहला कहता है द फर्स्ट, ऑर्डिनल से पहले क्या लगाओगे द फर्स्ट, इंक्रीजेज बढ़ाता है, ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या लेगा ऑब्जेक्ट होता कौन, नाउन को नाउन, यहाँ पे क्या है नाउन, द टोटल नंबर ऑफ असेंबली सीट किसको बढ़ाता है, असेंबली सीट को टोटल नंबर है फ्रॉम, अब कितना से कर दिया 7 to 14, विथ रिजर्वेशन, विथ के बाद देखो नाउन, ऑफ 9 सीट, ठीक है 9 सीट का रिजर्वेशन है फॉर शेड्यूल ट्रेवल के लिए एसटी के लिए, एंड बिसाइड इसके अलावा, अब यहाँ इधर पॉजिटिव होगा यहाँ भी पॉजिटिव होगा, बिसाइड दिए हुए एस लगा हुआ एक्स्ट्रा, तो इसके अलावा एक्स्ट्रा, इम्पावरिंग मतलब शक्ति प्रदान करना किसको, लेफ्टेड गवर्नर को, टू इफेक्ट सम नॉमिनेशन कि अपना प्रभावित करे किसको, इफेक्ट देखना पॉजिटिव वे और अफेक्ट क्या हो जाता है निगेटिव वे में, प्रभावित दोनों का मतलब क्या होता है प्रभावित करना, इफेक्ट सम नॉमिनेशन करे प्रभावित करे कुछ नॉमिनेशन को। द सेकेंड अगला देखो, द सेकेंड सीक्स चाहती है टू रिप्लेस, अब देखो टू, टू प्लस वी वन इन्फिनिटिव है, वर्ब का प्रॉपर्टी है, ट्रांजिटिव नेचर का है, क्या ले बैठेगा ऑब्जेक्ट, रिप्लेस करना, क्या रिप्लेस करना, तो टर्म को बी कैन अंडर प्रिविलेज क्लासेज, इस टर्म को क्या करना रिप्लेस करना, सोशल कास्ट इन जेके रिजर्वेशन एक्ट 2004 इनेक्टेड बाई, अब देखो यहाँ पे ये भीतरी होगा, भीतरी लेकिन एडजेक्टिव नहीं है ये, सॉरी भीतरी है लेकिन ये वर्ब नहीं है, क्यों, क्योंकि भीतरी दो काम करेगा, एक एडजेक्टिव बनना एक वर्ब बनना, वर्ब तब होगा जब इससे पहले हैव वर्ब या बी वर्ब होना चाहिए, क्या हैव वर्ब बी वर्ब है नहीं, तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव, जो कि इनेक्ट किया गया था, इनेक्ट मतलब लागू करना बाय द स्टेट लेजिस्लेटर, स्टेट लेजिस्लेटर के द्वारा टू अदर बैकवर्ड क्लासेस एज डिक्लेयर, फिर डिक्लेयर क्या हो जाएगा बोलेंगे एडजेक्टिव सर वर्ब नहीं है, जैसा कि डिक्लेयर किया गया था यूटी के द्वारा। अगला देखो, प्रॉपर्टी वुड हैव डिमांडेड दैट इवन दी चेंज वुड हैव अबेटेड फॉर द सुप्रीम कोर्ट बॉडी, अगर देखो ये होता है कंडीशन नंबर 3, अगर ऐसा होता तो ये होता, अगर वो मेरे पास आया होता तो मैं उसकी मदद किया होता, ना वो आया ना उसका मदद किया, अगर वर्षा अच्छी हुई होती तो फसल अच्छी होती, ना वर्षा हुई ना मदद, वही कंडीशनल नंबर कौन सा लगा दिया 3। हाँ अगर ये चेंज बेट सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट का इंतजार किए होते तो जो योग्यता होगी वो डिमांड की होती, हुच इज ड्यू सून जो कि बहुत ही जल्दी आने वाला है, कि कौन सा मेन वर्ड कौन हो जाएगा बोलेंगे सर वर्डिक्ट, क्लियर, ऑन द लीगैलिटी ऑफ अबॉर्डिनेंस स्पेशल स्टेटस, अब देखो स्पेशल स्टेटस के समाप्ति के वैधता पर, देखो कैसे ये मीनिंग लगा, मीनिंग कैसे लगा ना पीछे से, अब सुप्रीम कोर्ट स्पेशल स्टेटस के समाप्ति के वैधता पर, अब देख लो प्रीपोजिशन के बाद नाउन, प्रीपोजिशन के बाद नाउन और प्रीपोजिशन के बाद नाउन, अब दो वर्ड है तो ये एडजेक्टिव होगा, ये लास्ट वाला क्या होगा नाउन, बिसाइड इसके अलावे ब्यूटिफिकेशन ऑफ ईस्ट वाइल स्टेट और ईस्ट वाइल स्टेट का ब्यूटिफिकेशन डिवीजन एंड प्रोसीजर एडॉप्टेड टू डू सो, और जो प्रोसीजर है जो कि एडॉप्ट किया गया था ये बन बैठेगा एडजेक्टिव, जो कि एडॉप्ट किया गया था ऐसा करने के लिए
टू डू सो। चलो विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव के इन्वॉल्वमेंट के बिना, हस्तक्षेप के बिना, शामिल होने के बिना। अब देखो विदाउट है तो नाउन आया, इलेक्टेड है तो नाउन आया, ये है एडजेक्टिव हो गया। फ्रॉम जम्मू कश्मीर, कहाँ से? जम्मू कश्मीर। इन द प्रोसेस, अब फिर यहाँ पे इस प्रक्रिया में, अब देखो द चेंज, अब जो बदलाव है चेंजेज नाउन क्लियर, प्रपोज इन द लोकसभा वुड। अब यहाँ पे देखना, अब कौन वर्ब होगा, ये वर्ब होगा या फिर ये कन्फर्म है कि वर्ब है, तो फर्स्ट सर ये क्या होगा, वी टू वी थ्री और एडजेक्टिव, तो बोलेंगे सर ये एडजेक्टिव होगा। कैसे? अगर वर्ब बनाते हो इसे तो वर्ब, ये दो वर्ब के लिए कंजंक्शन होना चाहिए, वो तो है नहीं, क्लियर। वी थ्री ना है वर्ब है ना बी वर्ब है, जब वर्ब ही नहीं है तो वी टू वी थ्री कहाँ से होगा, क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। ऐसे भी समझिए, अगर ये ट्रांजिटिव वर्ब है, अगर वर्ब होता तो क्या ले लेता, ऑब्जेक्ट, वो भी नहीं लिया। तो वुड ओनली, अब वुड के बाद वर्ब का क्या है, फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब से पहले ये एडवर्ब। वुड ओनली सीम टू बी एक्ट, ऐसा दिख प्रतीत होता है ये कार्य है, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बी वर्ब के बाद नाउन। डैट, अब किसके लिए, एक्ट। डैट आर रिप्रेजेंटेड, ये रिलेटिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, रिलेटिव। डैट आर प्रेजेंटेड, जो कि प्रेजेंट किया जाता है, एज फैट कंप्लायंस। अब देखो बी वर्ब के बाद बी थ्री क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस, तो एक्ट प्रेजेंट करता नहीं, किया जाता है, क्लियर। डूअर नहीं, रिसीवर। एज फेट कंप्लायंट टू यूटी सिटीजनशिप, यूटी यूनियन टेरेटरी के सिटीजनशिप के लिए, ऐसा कुछ जो कभी चेंज नहीं हो सकता। जो भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है वो नोटबुक में लिख लेना, बहुत इम्पोर्टेंट है, और दूसरे में अप्लाई करके देखना। दिस, अब दिस क्या होगा, प्रोनाउन या एडजेक्टिव, बोलेंगे सर प्रोनाउन है तभी सब्जेक्ट बन पाएगा, एडजेक्टिव का भी सब्जेक्ट नहीं बनता। दिस शुड ऑल्सो बी वर्ब के बाद भी थ्री, तो क्या हो जाएगा, पैसिव। शुड के बाद हमेशा मॉडल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। शुड ऑल्सो बी टेकन, लिया जाना चाहिए। टूगेदर विद द फैक्ट, इस फैक्ट, इस सच्चाई के साथ, फैक्ट मतलब सच्चाई। डैट की है, कंजंक्शन है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब लेगा। द लास्ट फाइव, अब द लास्ट है, ऑर्डिनल है, द लगेगा, क्लियर। द लास्ट फाइव एंड हाफ ईयर्स, अब जो है ये पिछले पाँच साढ़े पाँच साल, हैव सीन देखा है, द सस्पेंशन ऑफ पॉलिटिकल एंड सिविल लाइबिलिटी, देखा है भी थ्री, हैव के बाद भी थ्री या नाउ, यहाँ पे भी थ्री ट्रांजिटिव नेचर का है, क्या लेगा, ऑब्जेक्ट होता कौन, नाउन या प्रोनाउन। सस्पेंशन देखा है, सस्पेंशन मतलब वो जो सस्पेंड हो जाते हैं, ख़त्म। ऑफ पॉलिटिकल एंड सिविल लाइबिलिटीज, सिविल लाइबिलिटी एंड पॉलिटिकल एंड सिविल लाइबिलिटी ऑफ पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियन के, अब देखो पॉलिटिशियन के, अब ये ऑफ के बाद क्या आया, नाउन, पॉलिटिशियन के सिविल और पॉलिटिकल, राजनीतिक और सिविल लाइबिलिटी जो दायित्व है उनको क्या, सस्पेंशन का, सस्पेंशन देखा है ये सारे पाँच साल पिछले। आर्बिट्री अरेस्ट, मनमाना ढंग से अरेस्ट कर लो, अब देखो एंड डिटेंशन, एंड देखो एंड, अब ये क्लियर है कि ये नाउन है तो ये भी नाउन है, लेकिन मीनिंग भी सेम होना चाहिए, जैसे इधर निगेटिव है यहाँ भी क्या हुआ, निगेटिव हुआ, क्लियर, याद रखना। कम्युनिकेशन शटडाउन, जो नेट बंद हो जाता है। ए चिलिंग इफेक्ट ऑन मीडिया, मीडिया को भी रोक दिया जाता है। अब मोर सीसेंट लॉन्ग पावर कट, और अब आजकल क्या देखा जा रहा है, ज़्यादा देर तक पावर कट। एनी चेंज टू पॉलिटिकल लाइफ, अब चलो यहाँ तक, हाँ फुल स्टॉप हो गया।
अब देखो एनी चेंज टू पॉलिट देखो एनी चेंज टू पॉलिटिकल लाइफ, अब ये पोजीशन किसका है, बोलेंगे सर सब्जेक्ट का, 100% क्या लेगी वर्ब। पॉलिटिकल राजनीति जिंदगी के, कोई भी बदलाव राजनीतिक जिंदगी के लिए ऑफ जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के राजनीतिक जिंदगी के लिए कोई भी बदलाव। साइटिंग, सीटिंग होता है हवाला देना, उदाहरण देना। इट्स ए स्टेटस एज ए रीजन, एक रीजन के रूप में, रीजन के रूप में, एज ए रीजन के रूप में अफेक्टेड, अभी क्या होगा भीतरी, लेकिन होगा क्या एडजेक्टिव, क्यों, क्योंकि ये वर्ब नहीं है, इससे पहले हैव वर्ब या भी, ये बी वर्ब नहीं। भी थ्री दो तरह से काम करेंगे, कौन कौन, वर्ब बना एडजेक्टिव बना, क्लियर। हाँ, अफेक्ट, जो कि अफेक्ट किया गया है बाय द सेपरेटिज्म एंड टेररिज्म। अब देखो दोनों तरफ नाउन है, दोनों का मीनिंग भी क्या है, निगेटिव होना चाहिए, क्लियर। अब एनी चेंज, अब यहाँ पे आया इसका वर्ब, शुड नॉट बी डन, नहीं होना चाहिए। अब शुड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बी वर्ब के बाद भी थ्री, एक्टिव या पैसिव, बोलेंगे सर पैसिव, इसका मतलब जो सब्जेक्ट होगा वो डूअर, वो चेंज करेगा नहीं, उसी पे वो कुछ करेगा नहीं, उसी को किया जाना है। नहीं होना चाहिए, इन ए वे, इस तरीके से, इस तरीके में, डैट और डैट कंजंक्शन की सब्जेक्ट कंजंक्शन है, क्या लेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब हो जो सिटीजन सब्जेक्ट होगा ये वर्ब। द सिटीजन फील एलिनेटेड, मतलब फील करे, महसूस करे गुस्सा। अब कुछ ऐसे वर्ड हैं जो एडवर्ब ना लेके एडजेक्टिव लेते हैं, जैसे फील, लुक, गेट, बिकम, कीप, स्टे, रिमेन, ये सब क्या लेते हैं एडवर्ब ना लेके, क्या लेंगे एडजेक्टिव लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा एडजेक्टिव। द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ, क्लियर है, द फर्स्ट, अब फर्स्ट में द क्यों लगा, क्योंकि ऑर्डिनल है, क्लियर है कि ऑर्डिनल है तो द लगे। द फर्स्ट ऑर्डर, अब द है नाउन कौन सा, ये एडजेक्टिव। द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ बिजनेस, बिजनेस का पहला ऑर्डर इन जम्मू कश्मीर, अब ना इसे सब वर्ब से कोई लेना देना है, ना ही इसे कोई लेना देना है, क्यों, क्योंकि ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, वर्ब से कोई लेना देना नहीं रहता। अब ये ऑर्डर नाउन है, यही सब्जेक्ट बनेगा, क्योंकि एडजेक्टिव तो सब्जेक्ट बनता नहीं। हैज टू बी, होना है, अब बी के बाद क्या आया, तो बोलेंगे सर नाउन है, कैसे पता चला, अटकी लगा, बी द रीस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोसेस, तो रीस्टोरेशन होना, पुनर बहाली होना, क्या डेमोक्रेटिक प्रोसेस का, द आया नाउन, यहाँ पे करो, यहाँ पे ये एडजेक्टिव, डेमोक्रेटिक प्रजातांत्रिक प्रोसेस के रीस्टोरेशन, मतलब पुनर्बहाली का है पहला ये ऑर्डर। बाय होल्डिंग, अब देखो बाय रीडिंग पढ़ के, बाय प्लेइंग खेल के, तो बाय होल्डिंग आयोजित करके, तो क्या ट्रांजिटिव, अब देखो ये जेरंड है, वर्ब का प्रॉपर्टी है, तो ट्रांजिटिव नेचर का है, तो ऑब्जेक्ट ले लेगा, ऑब्जेक्ट को नाउन, प्रोनाउन, प्रोनाउन तो है नहीं, नाउन हो जाएगा ये, क्लियर, ये ना, ए बाय होल्डिंग पॉपुलर इलेक्शन, आयोजित करके, क्या आयोजित करके, पॉपुलर इलेक्शन आयोजित करके, एंड द रीस्टोरेशन ऑफ इट्स स्टेटहुड, इसके स्टेटहुड का रीस्टोरेशन करके, मतलब क्या रीस्टोर को रीस्टोर कर दिया जाए, पहले जैसे था वैसे फिर से कर दिया जाए। अगला लास्ट, अब दिस प्रोनाउन या एडजेक्टिव, बोलेंगे सर प्रोनाउन है, प्रोनाउन है तभी तो सब्जेक्ट बनेगा, अगर ये एडजेक्टिव होता सब्जेक्ट ही नहीं बनता। दिस शुड, शुड मॉडल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, शुड हेल्प नॉट जस्ट, अब देखो नॉट जस्ट काम करेगा नॉट ओनली की तरह, किस तरह, नॉट ओनली, जिस तरह से एंड के बारे में जानते हैं, इधर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो इधर भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, एंड में इधर पॉजिटिव डिग्री है तो इधर भी क्या होगा पॉजिटिव डिग्री, उसी तरह नॉट जस्ट रहे या नॉट ओनली रहे, बट ऑल्सो, बट ऑल्सो, अगर इधर, अब देखो नॉट ओनली के बाद क्या है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो बट ऑल्सो के बाद भी क्या आना चाहिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसको बोलते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन, नाइदर नॉर आइदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो एंड और ये नॉट जस्ट। अब देखो नॉट जस्ट है
तो नॉट जस्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देखना, बट ऑल्सो के बाद भी यहाँ पे क्या है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्लियर। अब देखो यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्यों आया ये भी क्लियर कर लो। हेल्प बेयर इन्फिनिटिव लेता है, क्या लेता है बेयर इन्फिनिटिव, इसीलिए इसी के कारण यहाँ पे क्या आया बेयर इन्फिनिटिव आया है। हेल्प नॉट जस्ट फील, फील ट्रांजिटिव, बेयर इन्फिनिटिव है वर्ब का प्रॉपर्टी है, ट्रांजिटिव नेचर का है, क्या लेगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है वॉइड, ये क्या हो जाएगा जी ए ग्लैरिंग वॉइड, न केवल ये फील करेगा क्या ये जो वॉइड है जो खाली स्थान है इन पब्लिक लाइफ में इन द रीजन इस क्षेत्र में इन इमीडिएट, इन द इमीडिएट तुरंत, बट ऑल्सो, अब बट ऑल्सो सेट द स्टेज, स्टेज तैयार करेगा फॉर एड्रेसिंग, अब फॉर के बाद क्या है वी फोर, वी फोर नाउन प्रोनाउन में क्या है वी फोर, अब ये जेरंड है ट्रांजिटिव नेचर का है, क्या ले बैठेगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट देखो कौन है नाउन या प्रोनाउन, बोलेंगे सर नाउन है क्योंकि यहाँ पे द है, द लॉन्ग पेंडिंग इशू, अब ये नाउन हो जाएगा और ये हो जाएगा एडजेक्टिव। तो एड्रेस करने के लिए, संबोधित करने के लिए, हल करने के लिए किसको, लॉन्ग पेंडिंग इशू, अब डैट बताना क्या है, बोलेंगे सर रिलेटिव प्रोनाउन, कैसे पता चला क्योंकि यहाँ पे वर्ब लगाओ, डैट हैव लेड, लेड के साथ हमेशा क्या लगाओगे टू लगाओगे, दैट हैव लेड टू इशू, मुद्दा जो कि हमें ले गई है टू द परसिस्टेंस ऑफ मिलिट्री, किसकी ओर मिलिट्री के परसिस्टेंस, मतलब मिलिट्री आतंकवाद क्या है हमेशा वहाँ पे रहता ही है, उसका प्रेजेंस रहता है, क्लियर हो गया। चलो फिर हाँ वर्ड क्लियर हो गया, अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे, क्लियर।